नमस्कार दोस्तों, आज हम हुक्मा बनाएंगे। हुक्मा बनाने के लिए मैंने 1 पाव किलो सूजी लिए हैं, आधा कटोरी फली है, 4-5 हरा मिर्च हैं, 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं। अब हम इसको बाजू में रख देंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। छोटा वाला चम्मच से 3 चम्मच ऑयल लिया है मैंने। ऑयल को अच्छा गर्म होने देना है। देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच राई डाल देंगे। जीरा और राई चटकने के बाद अब हम इसके अंदर फली डाल देंगे। फली को थोड़ी देर भून लेना है। फली को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसके अंदर हरा मिर्ची ऐड कर देंगे। मिर्ची को भी थोड़ी देर भून लेना है। मिर्ची भूनने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर भून लेना है। प्याज को 1 मिनट भून लेना है। प्याज को 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। अब हम मसाले को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। मसाले को भी थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे। सूजी को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। इसको चलाते हुए 6 मिनट भून लेना है। गैस को मीडियम लो रखना है। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चलाते हुए भून लेना है। देखिए दोस्तों, 6 मिनट के बाद में रवा भी भून गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी अच्छा मिक्स कर लेना है। देखिए टमाटर को भी अच्छा मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, गर्म पानी है। मैंने 1.5 लीटर पानी रखा था साइड में, गर्म पानी। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 4 मिनट और पकाएंगे। देखिए 4 मिनट के बाद हुक्मा बनकर रेडी है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। धनिया को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, हुक्मा बनकर रेडी है। आप भी इसी प्रकार एक बार ज़रूर बनाएगा दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसको अचार के साथ, टमाटर की चटनी के साथ खाइए।
बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। इसी प्रकार एक बार ज़रूर बनाएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।